अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फजल करीम और आप देख रहे हैं फजल करीम टीवी। आज हम एक बहुत खूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर हुए, एक नई वीडियो लाए हैं। चाचट बिचोरिए दिपिन फ्रेंड भाई लोगों ने बनाया है। पहले वीडियो देखते वो लोग बहुत कमाल की वीडियो बनाते हैं, मैंने उनकी बहुत सारी वीडियो देखे, तो उनका वीडियो देखते फिर उसके बारे में अपना राय देते हैं। आप लोग भी अपना राय कमेंट में दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल भी दिपिन पेन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ जाके इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर आगे जो ना ट्राई देते हैं अपना, तो शुरू करते हैं एक दो तीन। और ये स्टार बशीरा, तुम्हें एक ऐसा मिशन सौंपा जा रहा है जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन होगा। उस्ताद, बशीरा नाम है मेरा और बशीरा कभी नाकाम नहीं होता है। तुमसे पहले 6 लोग नाकामी का शिकार बन चुके हैं उस्ताद, लेकिन ये मिशन अब बशीरा को सौंप दिया गया है और बशीरा आपको मायूस नहीं करेगा। Let's start the mission. देखते बशीरा आगे मत आना। बस बहुत हो गया। चाचा, अगर जरा से भी हिलने की कोशिश की या फिर कोई चलाकी दिखाए तो मैं 6 की 6 गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा, समझे? बेटा, गोली मत चलाना, जो तुम लेने आए हो ले जाओ, जो तुम करने आए हो कर जाओ, वैसे भी मेरे आधे पैर तो कब्र में ही लटके हुए हैं। ये घर, ये जायदाद मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन बेटा, मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, एक दिल का बोझ है। कुछ है मरने से पहले, है भी ऐड आ गया, देखते वो उतारना चाहता हूँ। अगर अगर तुम सुन लो तो मैं सुकून से मर जाऊंगा। चाचा, अगर कोई तुम्हारे दिल का बोझ है तो अपने किसी रिश्तेदार के सामने हल्का करो। मैं तो एक चोर हूं और मुझे सिर्फ चोरी करना आता है। बेटा, मेरा इस फानी दुनिया में कोई अपना नहीं है। कुछ है भी। कोई अपना नहीं है।
चाचा भला मैं एक चोर हूं, लेकिन एक मरते हुए इंसान का बोझ तो हल्का कर ही सकता हूं। चलो अपना बोझ सुनाओ। शुक्रिया बेटा, चलो आ जाओ। सॉरी बेटा, चलो। चाचा उतारो अपना बोझ। बेटा तुम ना होते तो मैं इस बोझ तले दबके ही मर जाता। बहुत बहुत शुक्रिया है बेटा। अरे चाचा शुक्रिया की कोई बात नहीं है, जल्दी अपनी कहानी सुनाओ, मुझे और जगह भी चोरी करने जाना है। हाँ हाँ बेटा, एक दफा का जिक्र है, मुझे और जगह चोरी करने जाने। एक गांव में चड्डी नामी एक चोर हुआ करता था। चड्डी मस्जिदों से चप्पलें चुराया करता था, लेकिन चड्डी को अब चप्पलों में मजा नहीं आ रहा था, तो चड्डी ने गांव की मुर्गियां चुरा कर बेचना शुरू कर दी। गांव वालों को उस पे शक तो था, लेकिन उनके पास चड्डी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फिर क्या हुआ? अब चड्डी को छोटी छोटी चोरियों में मजा नहीं आ रहा था। He was bored. फिर एक दिन चड्डी ने एक वडेरे के घर में घुस के उसकी बेटी का जेवर चुराया। वडेरे को अपने घर में कुछ खटपट महसूस हुई। वडेरे ने देखा चड्डी उसकी बेटी का जेवर चुरा रहा है। चड्डी ने वडेरे को देखा, फिर वडेरे ने चड्डी को देखा, फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। चड्डी वहां से भाग गया। फिर वडेरे ने शोर मचाया, चड्डी को पकड़ो। बेटा तुमने क्यों अपनी चड्डी पकड़ ली? ओह सॉरी, असल में मैं कहानी में ना खो गया था। कंटिन्यू। जैसे तुमने अपनी चड्डी पकड़ी, वैसे ही सारे गांव वालों ने अपनी चड्डियां पकड़ ली। फिर वडेरे ने बोला, अरे बेवकूफा, अपनी चड्डियां नहीं बल्कि चड्डी को पकड़ो। चड्डी आगे आगे भाग रहा था और पूरा गांव उसके पीछे भाग रहा था। चड्डी आगे आगे, गांव वाले पीछे पीछे, चड्डी आगे आगे, गांव वाले पीछे पीछे। फिर अचानक गांव वालों ने अपने अपने असले लिए और चड्डी पे चिल्लाना शुरू किया, कहा चड्डी। Meet my son, Chaddi. चाचा, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। अबे चुप। चड्डी। चड्डी बेटा, ये आपके सातवें मेहमान हैं। इनको स्पेशल रूम में ले जाके इनकी चड्डी उतार के इनकी ऐसी खातिर करो कि जिंदगी भर ये चोरी करना भूल जाए। ले जाओ ले जाओ। सारे दिल का बोझ उतार दिया। नहीं जाने जा। क्या हुआ बशीरा? उस्ताद सातवां।
दी लानत तेरे मुंह दे। माशाल्लाह बहुत अच्छी कमाल की वीडियो बनाए थे, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। वीडियो चड्डी छोर चाचा चड्डी छोर, वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देगा, जाके आप ये वीडियो भी देखिए। इसके चैनल पर तो बहुत सारे खूबसूरत वीडियोस पड़े हैं और अलग चैनल भी है, आप जाके वो भी देखें, वो बहुत अच्छे हैं। और हम आपसे ये भी कहते हैं कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो हमारा, ताकि हमारा हो जाए। आज की रीत रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।